सैडोगिस इज बैक विद अनदर ट्यूटोरियल और आज का जो ट्यूटोरियल है हाउ टू प्रैक्टिस अलोन। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। फुटबॉल ट्रेनिंग सेशन जिसमें आपको अलोन प्रैक्टिस करना है उसमें आपके पास बॉल होना नेसेसरी है। और अगर आपके पास और इक्विपमेंट्स नहीं है लाइक कोन, स्पीड लैडर, मार्कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर होगा तो ग्रेट। तो हम इस ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट करेंगे रनिंग और जॉगिंग से। वो 20-30 मिनट्स आप कर सकते हैं जब तक आपको स्वेटिंग स्टार्ट नहीं हो जाती, और ये आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं लाइक 10 राउंड, 12 राउंड, 15 राउंड, 20 राउंड, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसके बाद हम चलेंगे डायनेमिक स्ट्रेचिंग में जो आपको हेल्प आउट करेगा आपके बॉडी को एक्टिवेट करने में। और प्लीज़ डायनेमिक स्ट्रेचिंग मिस मत करिएगा, बहुत नेसेसरी है। और इसका जो कोर पार्ट है इस ट्रेनिंग सेशन का वो है बॉल ड्रिल्स एक्सरसाइज। और एंड में इस ट्रेनिंग सेशन को कंप्लीट करने के बाद हम इसे ख़त्म करेंगे कूल डाउन के साथ। अगर आपको इस ट्रेनिंग सेशन का पूरा एक्सप्लेनेशन जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो इस ट्रेनिंग सेशन का फर्स्ट पार्ट है रनिंग और जॉगिंग। रनिंग और जॉगिंग आपको 10-15 मिनट्स करना है, या तो आप 10 राउंड्स, 12 राउंड, 15 राउंड्स भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और इस रनिंग और जॉगिंग को डायनेमिक बनाने के लिए आप फ्रंट वेज रनिंग, फ्रंट वेज जॉगिंग, बैकवर्ड हो गया, क्रिस क्रॉस हो गया, साइड वेज रनिंग हो गया, आप ये करके अपना रनिंग और जॉगिंग को डायनेमिक बना सकते हैं। बट मिनिमम आपको 10 राउंड्स करने हैं, और देखिएगा जब तक आपको स्वेटिंग स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक आपको कंटिन्यू रखना है रनिंग और जॉगिंग को। सेकेंड पार्ट इस ट्रेनिंग सेशन का है डायनेमिक स्ट्रेचिंग। आपको डायनेमिक स्ट्रेचिंग अपने रनिंग के मूवमेंट्स के साथ रखना है। आप रनिंग और जॉगिंग के बाद कुछ मिनट का रेस्ट लेके, 1-2 मिनट का रेस्ट लेने के बाद आप डायनेमिक स्ट्रेचिंग अपना स्टार्ट कर सकते हैं। आप रनिंग करते हुए डायनेमिक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, स्टिल होके कर सकते हैं, लिटिल बिट जॉगिंग करके कर सकते हैं, पर आपको डायनेमिक स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी है। और अगर आपको स्ट्रेचिंग के ऊपर और वीडियोस चाहिए तो आपको आई बटन में हमने फुल प्रॉपर एक वीडियो एक्सप्लेन करके बना रखा है, आप उधर जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग सेशन में जो मेन वो है कोर ट्रेनिंग। और इस कोर ट्रेनिंग में आपका आ जाता है बॉल ड्रिल्स और मेन एक्सरसाइज। और बॉल ड्रिल्स और मेन एक्सरसाइजेज में मैं आपको कुछ ऐसे ड्रिल्स बताऊंगा जो आपको डेली प्रैक्टिस करने ही करने हैं। आपका फर्स्ट और सेकंड रनिंग, जॉगिंग, डायनेमिक स्ट्रेचिंग, उससे ज़्यादा मेन आ जाता है आपका ये कोर ट्रेनिंग। कोर ट्रेनिंग बिल्कुल मत मिस करिएगा। और इसमें जितने भी ड्रिल्स और एक्सरसाइज मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप इस वीडियो के अंदर, आप उसे देखिए। तो इस कोर ट्रेनिंग में 4 मेन एक्सरसाइजेज है। फर्स्ट, बॉल कैरी करना है। सेकंड, टचेस विद बॉल। थर्ड, आपको शूट करना है। फोर्थ, शूटिंग विद रनिंग, आपको रनिंग करते हुए शूट करना है और वो भी एक्यूरेट शूट होना चाहिए। फुटबॉल में जितना ही ज़रूरी वार्म अप है उतना ही ज़रूरी है कूल डाउन। सो इस ट्रेनिंग सेशन का लास्ट पार्ट है कूल डाउन। और हम लोगों ने कूल डाउन के ऊपर एक फुल एक्सप्लेन वीडियो बना रखा है जो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, आप जाइए उसे चेकआउट करिए। उसमें फुल एक्सप्लेन करके हमने कूल डाउन के सारे एक्सरसाइज दिए हैं और वहाँ से आपको सारा कुछ मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। और अगर आपको ऐसे और ट्यूटोरियल चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और ज़ाइडोगेफ्सी को अपना सपोर्ट ऐसे देते रहिए। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए।